सो भाई देख ही सकते हैं आप, हम लोग कितना एक्साइटेड है। एक्साइट के चक्कर में मैं अपना दाढ़ी उतर लिया। ये देखो भाई पूरा आदमी लोग रेडी हो रहे हैं, पूरा देखो कैसा कैसा सामान पड़ा है। तो मैं हम लोग दो दिन के लिए रूम बुक किया है, तो दो दिन हमारा पास टाइम है भाई, फुल इंजॉय करेंगे, फुल घूमेंगे इधर उधर। मॉर्निंग के 11:30 बज रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही डे स्पेस वैन के निकल जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बहुत लगा है भूख भाई, बाहर से खाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत इधर उधर देखेंगे भाई क्या है क्या नहीं है। और चलो चलते हैं, देखते हैं रास्ते में क्या होता है। हमारा ब्रेकफास्ट हमने मंगाया सब्जी भात विथ एग फ्राई, तो हमारा 100 रुपीज पर प्लेट पड़ा, इसका तो खाना भी हो गया। ये दीघा का काजू, क्या है काजू बागीचा ना, घूमने के लिए पूरा टोटो ही रिजर्व करके रखा है। तो ये हमारा टोटो। तो गाइस ये हमारा वृंदावन का नंदलाल यानी हमारा कृष्ण जी का मंदिर है। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली ये बंद है, तो हम लोग विजिट नहीं कर सकते। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग और भी लोकेशन पे जाएंगे और भी कुछ देखेंगे। तो चलो चलते हैं। गाइस ये चंद्रेश्वरी मंदिर, हमारा भोले बाबा विराजमान है इसमें। तो इधर सब नंगे पाव आना पड़ता है, तो देखो भाई हम भी नंगे पाव आया। तो इधर अपना सब मन्नत मांगते हैं और दिया जलाते हैं। हमारा बाबा का टेंपल के साथ ही अटैच है हमारा कन्हैया लाल श्री कृष्ण का मंदिर। हम लोग घूमते घूमते चलाया और एक बीच में, तो गाइस इस बीच का नाम है तालसरी बीच। तो इस बीच में ना आप देख सकते हैं छोटा 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 आइलैंड जैसा कुछ बना हुआ है। तो आइलैंड में जाने के लिए आप लोग ये वाला बोट भी यूज कर सकते हैं। हम लोग और एक बीच पे विजिट कर चुके हैं, ये बीच का नाम है उदयपुर, अराउंड न्यू दीघा से 20 किलोमीटर दूर है, ऐसा कुछ होगा, 20 नहीं है 10 किलोमीटर दूर है। तो ये बीच का भी व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है, बोर्ड वगैरह घोड़ा दादा जो 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 चीज होना चाहिए पूरा चीज है। इस रास्ते का एक खास बात बोलू, इस साइड में उड़ीसा, इस साइड में बंगाल, और बात बाकी हमारा काका पूरा कम रेट में हम लोगों को पूरा दिया घुमा रहा है। इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप कॉन्टेक्ट कर लेना, बहुत ही गुड सर्विस है, बहुत ही मस्त सर्विस है भाई, पूरा दीघा घुमा दिया हम लोगों को। तो चलो गाड़ी जाएगा अब रूम में, हम लोग दीघा पूरा आउटसाइड घूम के आ गए रूम पे, अभी रूम पे रेस्ट करेंगे भाई, और बात बाकी देखा जाएगा शाम को, शाम को किधर जाता है क्या नहीं जाता है, पूरा शाम का सीन शाम के। भाई
अभी शाम का 7:30 बजा है और अभी आया हम लोग दीघा बीच घूमने, तो देखते हैं रात में क्या दिखता है, वही दिखाऊंगा आपको। आज का दिन भी हो गया कंप्लीट। आज हम दीघा के आउटसाइड गए थे, उधर पूरा घूम के आया, अच्छा लगा भाई। तो दीघा हम लोग ठीक से नहीं घूम पाया, जब भी जाते हैं अंधेरा में कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, ये लोगों की वजह से होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना, प्लीज़ भाई सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।